अब एक और नया हिजबुल का कोई नेता वहाँ पर तैयार हो रहा है, ऐसी इसको लेकर क्या रणनीति होगी सेना की? देखिए, हर यूनिट को कई टास्क दिए जाते हैं और उस टास्क के मुताबिक वो अपना प्लानिंग करते हैं और कई बार उस प्लानिंग के हिसाब से वो कामयाब भी हो जाते हैं टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए और लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये कार्रवाई हर यूनिट इसी तरीके से करती रहेगी। सर, कल प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की उसमें एक लोकल प्रोडक्ट की उन्होंने बात की, लोकल प्रोडक्ट को हमें वोकल होकर उनकी उनका प्रचार करना होगा। सेना के स्तर पर किस तरह से मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, हालांकि काफ़ी जो हमारे मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट हैं इस वक्त चल भी रहे हैं? देखिए, सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता के ऊपर हमारा पहले से जोर था और पिछले 2-3 साल से हम इस पर जोर दे रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज के डेट में जो हमने ऑर्डर दिए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 70-75% से ज़्यादा जो ऑर्डर इंडियन कंपनीज़ को ही गए हैं, टोटल नंबर्स में भी और वैल्यू में भी। और आने वाले समय भी हम इसको और भी बढ़ावा देंगे। इसके अलावा कई गवर्नमेंट के तरफ से इनिशिएटिव हैं और योजनाएं हैं, जैसे मेक वन मेक टू, जिसके अंतर्गत जो सिविल प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर्स सिर्फ OFB या DPSUs को जाने हैं, ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी जा सकते हैं। और कुछ दिनों पहले ही हमने LNT के साथ एक ऑर्डर प्लेस किया है माइन प्लाउज के लिए, जिसका तकरीबन 70 करोड़ का ऑर्डर है। तो इस तरीके से हम और भी ऐसे ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हो वो इंडिया में ही बने। खासतौर से जो आर्मी की काफ़ी बड़ी कैंटीन्स हैं वहाँ पर भी आपको लगता है कि संभावना है जो हमारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ाने की? हमारे कैंटीन में जो भी बिकता है वो मेक इन इंडिया ही है। बहुत धन्यवाद। तो जनरल MM नरवणे साहब का कहना है कि खासतौर से चीन और पाकिस्तान से लगने वाली जो सरहद है वहाँ पर सेना अपनी जो SOP है उसके तहत पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।